अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन नूडल्स कबाब। ये बहुत ही आसान रेसिपी है जिसको बड़े और बच्चे सभी बहुत शौक से खाते हैं। चिकन नूडल्स कबाब बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 पैकेट मैगी नूडल्स, 1 टीस्पून ओरिगैनो, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 अंडे, तकरीबन 300 ग्राम चिकन जिसको मैंने बॉईल करके पहले से ही श्रेड करके रख लिया है, फ्राई करने के लिए ऑयल और ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले हम एक पैन में 2 कप पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। जितनी देर में हमारा पानी गर्म होगा, हम नूडल्स को हाथों की मदद से ऐसे क्रश कर लेंगे। जब पानी गर्म होने लगे तो हम इसमें अपने नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स में मौजूद मसाला पैकेट को मैं नूडल्स के साथ नहीं डालूंगी, बल्कि इसको हम बाद में जब बाकी मसाले मिक्स करेंगे उस वक्त इस्तेमाल करूंगी। इतनी देर में हमारे नूडल्स बॉईल हो रहे हैं, हम बाकी की चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले चिकन, वन टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून ओरिगैनो, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, मैगी नूडल्स मसाला जो कि हमने साइड पे कर लिया था, और 1 अंडा। हम 1 अंडा अभी यूज करेंगे और दूसरा अंडा हम फ्राई करने के लिए यूज करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। नूडल्स को बॉईल करने के बाद हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि उसका पानी सारा निकल जाए। अब हम नूडल्स को अपने बाकी मिक्सचर के साथ ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके कबाब बनाएंगे। अंडा लेकर इसको आप बीट करके रख लें जो कि हम फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कबाब बनाने के लिए मैं ये कबाब कटर यूज करूंगी जिसमें मैं सारा मिक्सचर डाल दूंगी। ये हमारा सारा मिक्सर हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं ऊपर से प्रेस करूंगी। और जितनी भी साइज या शेप आपने जो भी रखनी हो आप उसको यूज कर सकते हैं। हमने अपने कबाबों को शेप दे दी है। जरूरी नहीं कि आप यही शेप इस्तेमाल करें, अगर आप चाहें तो इनको राउंड भी बना सकते हैं। अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद थोड़े ब्रेड क्रम्स लगा के इनको रखते जाएंगे। इसी तरह से आपने सब कबाबों को एग और ब्रेड क्रम्स लगा के रख देना है। हमने कबाबों को एग और ब्रेड क्रम लगा के रख दिया है और अब हम इनको 5 मिनट तक छोड़ देंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में हम ऑयल गर्म करेंगे और इसमें अपने कबाबों को फ्राई करना शुरू करेंगे।
जब ये एक तरफ से थोड़ा गोल्डन हो जाए तो आप इनकी जेंटली साइड चेंज कर दें और इसी तरह से हम ये सब कबाबों की साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर इनका आ गया है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने अपने कबाब प्लेट में निकाल लिए हैं और बाकी कबाबों को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। जी दोस्तों, हमारे बहुत मज़ेदार चिकन नूडल्स कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।